सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माई यूट्यूब चैनल। सो गाइज, आज के इस वीडियो में मैं आपको रेडमी के 30 प्रो के बारे में बताने वाला हूँ। सो गाइज, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप मेरा नाम जान लीजिए। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं टेक्निकल ध्रुव चैनल को। सो गाइज, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि जो रेडमी का K30 Pro गाइज अगले महीने मार्च के महीने में जो लॉन्च होने वाला है गाइज, इस रेडमी K30 Pro में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 865 का जो प्रोसेसर है, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है गाइज। ये रेडमी का 5G फ़ोन है और गाइज ये मोबाइल सबसे फास्ट चलने वाला मोबाइल होगा। और गाइज इस मोबाइल में आपको 4700 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी। इस रेडमी का K30 Pro के प्रोसेसर को बढ़िया होने के साथ साथ गाइज इसमें आपका जो 6.6 inches का जो डिस्प्ले मिल जाएगी, और जो गाइज इसमें कोई भी साइड पर कोई भी नोच नहीं है, कोई भी नोच आपको देखने के लिए नहीं मिलती है। और गाइज इसके हम कैमरे की बात करें तो इसका जो है रियर कैमरा वो 64+12 MP का है, और जो सेकंड कैमरा वो 8+2 MP का है। और गाइज इसके जो हम फ्रंट कैमरे की बात करें तो इसका फ्रंट कैमरा है 24+2 MP का जो इसका फ्रंट कैमरा है। और गाइज इसमें इसके आपको फ्रंट में जो पॉपअप कैमरा ही देखने के लिए मिलेगा, और इसमें गाइज फिंगरप्रिंट सेंसर भी होगा। और गाइज अगर हम इसके प्राइस की बात करें तो ये इंडिया में आने वाला है, वो मैंने आपको बता दिया कि अगले महीने वो आएगा, अगले महीने किसी भी डेट को रिलीज़ हो सकता है, ये पता नहीं है अभी किसी को भी गाइज। और इसमें आपको जो है 30,000 से 35,000 की प्राइस रेंज के अंदर ये आपको जो है रेडमी का K20 Pro मिल जाएगा। और गाइज अगर हम इसके सिम इंजेक्टर टूल की बात करें तो इसमें गाइज आपको जो डुअल सिम स्लॉट मिलता है, और आप इसमें जो डुअल सिम भी जो डाल सकते हैं। सो गाइज ये थे जो रेडमी K30 Pro के कुछ फीचर्स के बारे में आपको मैंने ये बताया, ये जो मेन फीचर्स होते हैं उसी फीचर्स के बारे में आपको बताया। सो गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, और कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।